हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे आज हम बात करेंगे पीएमसी वर्सेस बीए के फुल स्टेट्स प्लस इनफो यानी कि पाक मॉन्टकाडा वर्सेस बांग्लादेश किंग्स के बीच जो मैच नंबर वन और टू खेला जाना है सात नवंबर को ये मैच जो है एक बजे से स्टार्ट हो जाएगी दोपहर एक बजे से ये ई सी एस टी टेन बार्सिलोना की जो है सीरीज़ जो है स्टार्ट हो रही है वेन्यू जो रहेगा मॉनजूशी ओलंपिक ग्राउंड बार्सिलोना का रहेगा पीच रिपोर्ट की बात कर ले तो यहाँ पे जो ला, लास्ट ईयर जो यहाँ पे जो मैचेस हुए थे 2021 में आई थिंक कि मार्च के महीने में लगभग हुए थे तो यहाँ पे जो एक टीम हाईस्ट स्कोर बनाई थी 188 के और एक टीम की लोएस्ट स्कोर कार्ड रही थी चौंतीस पर ऑल आउट अब ये दिखाने का क्या मतलब है ये दिखाने का मतलब ये भी है कि स्कोर कुछ भी बन सकता है जिस टीम में प्लेयर अच्छे रहेंगे उस टीम के स्कोर हाई बनेंगे इसलिए आपको फोकस जो करना है प्लेयर स्टेट्स पे करना है वैसे बात कर ले ज़्यादातर मैच में जो है 80 से लेकर 120 के बीच जो है रन बनते हुए दिखिए और जो जरूरी रहेगी वो रहेगी अपडेट और अपडेट से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगी जीएल के लिए बहुत ही अच्छे मैच है एसएल के लिए भी बहुत ही अच्छी मैच है बिल्कुल वन साइडेड भी हो सकती है आपके लिए जीएल में आप वन साइडेड भी जा सकते हैं आप देखेंगे तो दोनों टीम को मिलाकर लगभग फिफ्टी एट लगभग 58, फिफ्टी एट प्लेयर्स यहाँ पे दिए गए हैं दोनों टीम में स्क्वाड में फिफ्टी एट हैं और खेलेंगे मात्र बाईस आप समझ सकते हैं हर एक प्लेयर का मैंने स्टेट्स बिल्कुल ही फुल डिटेल्स में दिया हूँ इसलिए आपको समझना जरूरी है तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे जी एल एस एल दोनों में जो जरूरी रहेगी लास्ट टाइम अपडेट मैं हंड्रेड परसेंट टीम शेयर करूँगा टेलीग्राम में और जो भी टेलीग्राम में मैं टीम दूँगा मैं वो मेरी अपनी टीम रहेगी अगर आप उस टीम से खेलना चाहते हैं मेरे रिस्क पे या अपने रिस्क पे तो बिल्कुल खेल सकते हैं आ, नहीं तो आप उसमें से कुछ चेंजेस करके भी खेल सकते हैं आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं वैसे अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में और टॉप के कमेंट में मिल जाएंगे और आपको जो है लिंक से ही आना है विदाउट लिंक के आते हैं तो हो सकता है कि आप गलत चैनल में चले जाएँ तो हम बात कर लेते हैं पाक मोन्टकाटा की तो पाक मोन् काटा के तरफ से ओपन आने के जो हाई चांसे हैं हमजा सलेमदार क्योंकि लास्ट ईयर भी यही ओपन कर रहे थे और अभी ये नेशनल ड्यूटी में आपको पता है स्पेन के तरफ से खेल रहे हैं अभी एक अच्छी नोक भी खेल के आ रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है वैसे खेलने के चांस है क्योंकि आज ही सीरीज आई थिंक की जो है एंड हो रही है तो हो सकता है कि कल के दिन भी खेल जाए अगर खेलते हैं तो डायरेक्टली आप इनको सी बी सी करेंगे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है नेशनल प्लेयर है प्लस ई सी सी रिसेंट टाइम में खेल के आ रहे हैं और आप देख सकते हैं पिछले साल जो ई सी एस खेले थे आप देख सकते हैं कि एक ऑलराउंडर प्रॉपर काम करके देंगे आपके लिए सी बी सी के बेस्ट चॉइस रहने वाले हैं मोहम्मद आरम रम खरमजान खान जो कि अभी रिसेंट टाइम में ही एक सीरीज खेल के आ रहे हैं आप देख सकते हैं उस सीरीज़ के लास्ट के पांच मैचेस वैसे न्यू यूजर जो है मैं उनको पहले बता देना चाहता हूं कि ये इनके बैटिंग लिख रखे हैं एक या दो लिखा हुआ है यानी कि ओपन आया है एक का मतलब हो गया स्ट्राइक लिए हैं दो का मतलब हो गया नॉन स्ट्राइक ये रन है बीस गेंद में बीस रन, गेंद में गेंद रन रन गेंदों प्लस दो ओवर की एक विकेट दूसरा और नौवा ओवर डाले तो इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन से बॉलर ओपन कर रहे हैं कौन सा डेथ कर रहे तो ये डेथ में ही बॉलिंग कर लेते हैं ये इनके रोल है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज राइट हम फास्ट और सत्ताईस साल इनकी एज है तो इस तरह से कुछ आपको समझना है अब इसी तरह से मोहम्मद अरमगान खान जो है कभी कभी आप देखेंगे कि ये बॉलिंग भी कर लेते हैं उसे बॉलिंग थोड़ी सी कम करते हैं अभी तक जो है आप देखेंगे हमजा सल ये भी बता देना चाहते हैं ये इनके टोटल टी के मैचेस है अठहत्तर मैचेस में पंद्रह रन हाइस्ट सेवेंटी टू स्टैंडर्ड वन एट्टी पचपन इनिंग्स में यानी कि अठहत्तर मैचेस में से पचपन मैचेस में इन्होंने बॉलिंग की है एक ओवर की गेंदबाजी लगभग करके सत्तावन विकेट और तो इकोनमी नाइन पॉइंट नाइन वन नाइन की रही है तो इस तरीके से आपको समझना है सेम मोहम्मद अरमगान की बात कर ले तो उनचास मैचेस में और ये जो मैंने लिख रखे हैं रिसेंट यानी कि लास्ट के जो पांच मैचेस होते हैं ना टी टेन के वो मैंने लिख रखे हैं अब जो प्लेयर टी टेन नहीं खेले उनके जो भी स्टेट्स होंगे मैं वो लिख रखता हूँ तो किस इस तरीके से समझना है ऐसे मैंने लिख रुका हूँ यहाँ पर कि कौन से फॉर्मेट है तो आरमगान खान जो उनचास मैचेस में ग्यारह सौ छत्तीस रन हाई स्कोर वन थर्टी वन यानी कि एक सेंचुरी भी कर चुके हैं स्टैंड वन नाइनटी टू का एक सेंचुरी या पांच हाफ सेंचुरी तो आप समझ सकते हैं किस लेवल के खिलाड़ी है पंद्रह मैचेस में पंद्रह मैचेस में बॉलिंग किए हैं बाईस ओवर लगभग गेंदबाजी करके तेरह विकेट भी निकाले तो पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते ये भी एक सी के अच्छे चॉइस रहेंगे मोहम्मद नईम की बात कर ले तो ये भी एक जो है विकेट कीपर बल्लेबाज है यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ यहाँ पर विकेट कीपर भी होना चाहिए दो में जो लास्ट के चार मैच आई थिंक ये लास्ट के जो ये 2021 में जो है ना इन्होंने चार ही मैचेस आई थिंक ये खेले हैं बाकी 2020 में खेले होंगे 17 मैचेस में 45 रन हाइस्ट का 15 तो उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है बट ओपन आ जाते हैं कभी कभी इस चीज़ का ध्यान रखना है बाकी मोहसिन अली की बात कर ले तो मोहसिन अली के आप लास्ट के जो है दो के टी के लास्ट के मैचेस दे सकते हैं सबसे अच्छी बात है कि ये डेथ में भी बॉलिंग कर लेते हैं और आपको बैटिंग सेक्शन में बहुत ही कम सेलेक्शन में मिल जाएगा बिल्कुल टीम में ट्राई कर लेंगे जहाँ भी रहे वैसे मैं कंफर्म नहीं हूँ बैटिंग में ऑर्डर में रहे या फिर ऑलराउंडर में एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेंगे उनतीस मैचों में से जो है अभी रिसेंट मैच में इन्होंने अच्छी खासी बॉलिंग की है बट पहले इतनी बॉलिंग नहीं कर रहे थे चार सौ इक्कीस रतीस मैचेज में हाई स्कोर सत्तर का स्टैंडर्ट एक सौ सतासी का तेरह इनिंग्स में ग्यारह विकेट भी निकाले हैं और ग्यारह की इकोनॉमी इकोनॉमी थोड़ी सी खराब रही है बट खिलाड़ी ठीक ठाक से है बाकी अमीर अब्दुल्ला की बात कर ले तो रिसेंट टाइम में आपको पता ही है कि इन्होंने भी इसी एज दो में खेल के आ रहे हैं अभी एक महीने भी शायद नहीं हुए होंगे बीस मैचेस में दो रन है और पंद्रह विकेट भी लिए हैं बाकी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं तो ये इनको भी आप बिल्कुल टीम में ट्राई कर सकते हैं कोई उतनी जो है ख़राब पिक नहीं रहेगी आरिफ मस्जिद की बात कर ले तो आरिफ मस्जिद भी आपको बैटिंग सेक्शन में आई थिंक ये मिल जाएंगे एज थोड़ी सी ज़्यादा है बट खिलाड़ी ठीक ठाक है सात मैचेस में छियासठ रन हाईस्कोर थर्टी सेवन का और लगभग तीन से चार नंबर पे आ भी जाते हैं और इसे अगर कभी कभी ये छः सात नंबर पर भी आ जाते हैं बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं और पाँच विकेट भी, भी निकाले तो ठीक ठाक से ऑप्शन है बिल्कुल टीम में ट्राई कर सकते हैं खालिद हुसैन की बात कर ले तो खालिद हुसैन जो है पहली बार ई खेलेंगे यानी कि टी के जो है मैचेस खेल पहली बार खेलेंगे बट खिलाड़ी शानदार है लोगों को पता नहीं है बिल्कुल आप टीम में ट्राई कर सकते हैं दो में जो क्लब टी के मैचेस होते हैं उनमें बारह मैचेस में चार रन हाई स्कोर वन का स्टाइरेट वन का ग्यारह इनिंग्स में छब्बीस ओवर की गेंदबाजी करके दस विकेट तो ये भी एक अच्छी पिक रहेगी आप एक आधी टीम में सी भी ट्राई कर लेंगे बाकी उमर 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 वकास यानी उमर वकास ही आप मान लीजिए अड़तीस इनकी जो है एज है इसी दो हज़ार इक्कीस के लास्ट के चार मैचेस देख सकते हैं सत्रह मैचेस में दो सौ अंठावन रन हाईस्ट स्कोर सिक्सटी टू स्टार्टेड एक सौ तिरपन एक हाफ सेंचुरी चार ओवर की गेंदबाजी लगभग करके चार पॉइंट तीन ओवर की गेंदबाजी करके तीन विकेट निकाले तो एक एवरेज से प्लेयर है टीम में ट्राई कर सकते हैं बाकी बात कर ले इब्रार हुसैन की तो राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म ऑफ स्पिन का रोल रहने वाला है चौतीस मैचेस में तीन सौ इक्यानवे रन अब पैंतीस विकेट भी है तो ये भी एक अच्छे प्लेयर है बट राइट आर्म ऑफ स्पिनर बॉलर है बॉलर है तो हो सकता है कि कभी कभी ये तीन चार विकेट ले जाए कभी कभी हो सकता है कि इकोनॉमी भी आपकी माइनस कर दे तो जो भी प्लेयर खेलेंगे बहुत सारे प्लेयर हैं हम देखेंगे उस हिसाब से किसको लेना है किसको छोड़ना है तो उस हिसाब से हम देख लेंगे वहाँ फाइनल टीम में बाकी काशिफ सफी की बात कर ले तो काशिफ सफी जो है 2021 के लास्ट के तीन मैचेस देख सकते हैं बाकी के मैचेस आई थिंक की 2020 में खेले होंगे 20 मैचेस में एक 188 रन हाईस्ट स्कोर 55 का तो ये भी खिलाड़ी ठीक है और आप देखेंगे अभी रिसेंट का भी मैंने एक स्कोर कार्ड नीचे शो किया हूँ तो रीसेंट में भी इन्होंने बहुत अच्छा खासा बल्लेबाजी की है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है विकेट कीपर में मिल जाएंगे तीस परसेंट सेलेक्शन आपके लिए गेम चेंजर पिक रहने वाली है आदिल राजा भी एक इंटरनेशनल प्लेयर है अभी आई थिंक ये भी स्पेन के टीम से खेल रहे थे इकतीस मैच में चौतीस रन और छप्पन ओवर की गेंदबाजी करके चौबीस विकेट तो राइट आर्म फास्ट बॉलर बिल्कुल आप टीम में ट्राई कर लेंगे सिलेक्शन भी इनका भी ठीक ठाक है हमजा सर की बात कर ले तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज राइट आर्म सोलह बाईस साल इनकी एज है दो में जो है इनके लास्ट में पाँच मैचेस दे सकते हैं वैसे आठ मैचेस में चौतीस रन हाइस्ट का पंद्रह तो उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है इग्नोर करके जा सकते हैं मुस्तफ़ा सलीम गुलाम की बात कर ले तो 2020 में एक ही मैच खेले थे जहां पर ये नंबर चार पे आए थे दो रन बनाए थे प्लस दो ओवर की गेंदबाजी करके एक विकेट लिए थे तो टीम में ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि नंबर चार पे आ रहे दो ओवर की गेंदबाजी दे रहे हैं वैसे एक ही मैच का मुझे स्टेट्स है इसलिए मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं कर रहा हूं बिल्कुल आप ले सकते हैं अब किसी में मैं आपको यह तो भूल भी जाता हूं कि आप इसको ट्राई करें या ना करें तो आप अपने हिसाब से यह देख लेंगे क्योंकि लोग बोलते हैं आपने तो बताया ही नहीं निसार अहमद की बात कर ले तो 2022 में जो है लास्ट के पांच मैचेस दे सकते हैं थोड़ा सा बॉलिंग आप कह ले तो पार्ट टाइम करते हैं 20 मैचेस में 173 और थो थो एक सौ तिहत्तर रन हाई स्टोर थर्टी नाइन का स्टाइल रेट एक सौ अस्सी का अस्सी का तो स्टार रेट ठीक ठाक है पाँच ओवर की गेंदबाजी करके विकेट लेस गए हैं ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं राहुल जमान भी आप देखेंगे राइट हैंड बैट्समैन विकेट कीपर है बट इस सीज़न जो अभी कुछ दिनों पहले ही इन लोगों का जो सीरीज़ हुआ था यहाँ पर इन्होंने पार्ट टाइम एक मैचेस में दो ओवर की गेंदबाजी भी किए थे वैसे ये विकेट कीपर भी है और कभी कभी ओपन भी आ जाते हैं इस चीज़ का भी ध्यान रखना और हाई सेलेक्टेड जा रहे हैं आप भी टीम में ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं खिलाड़ी बिल्कुल शानदार है उनचालीस मैच में चार सौ इक्यानवे रन हाई स्कोर फोर्टी फोर कर रहा है बात कर ले जाहंगजेब असगर आस, की तो ये भी कभी कभी जो है विकेट कीपिंग कर लेते हैं ये दोनों मैचों में विकेट कीपिंग की है जिस मैच में विकेट कीपिंग नहीं करते हैं उस मैच में बॉलिंग कर जाते हैं चौदह मैच में एक रन हाई स्कोर फिफ्टी का और आठ इनिंग्स में जो है इन्होंने सोलह ओवर की गेंदबाजी करके दस विकेट लिए हैं बाकी अब बात कर ले आमिर शहजाद की तो राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म मीडियम इनका रोल रहता है इसीलिए दो हज़ार के लास्ट के पाँच मैचेस देख सकते हैं बत्तीस मैचेस में एक सौ छः रन हाई स्कोर फोर्टी वन का तीस इनिंग्स में इक्यावन ओवर की गेंदबाजी करके इक्कीस विकेट तो ये भी खिलाड़ी ठीक ठाक है अगर टॉप फोर में आ जाते हैं तो ये भी सी बी का चॉइस बन जाएंगे बाकी सरफराज अनवर की बात कर ले तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर जब भी विकेट लेंगे गुच्छे में विकेट लेंगे तीन चार विकेट दो विकेट लेके जा सकते हैं बट थोड़ा सा आप कह ले तो बॉलिंग कम की है छः मैचेस में मात्र दो मैचेस में ही बॉलिंग की है इकोनॉमी ख़राब रही है तो उतनी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है इग्नोर करके जा सकते हैं मोहम्मद मुगल आसिफ की बात कर ले तो इसी है दो के लास्ट के पाँच मैचेस देख सकते हैं सत्रह मैचेस में दो रन हाई स्कोर सेवेंटी सिक्स का पाँच विकेट भी लिए हैं तेरह ओवर की गेंदबाजी करके तो खिलाड़ी ठीक ठाक है ट्राई कर सकते हैं असीम जावेद की बात कर ले तो राइट हैंड बैट्समैन लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट लेफ्ट हैंडर जो गेंदबाज होते हैं वो टूर्नामेंट में अच्छा करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी ये है कि ये पहला चौथा या तीसरा ओवर करते हुए दिख जाएंगे इस केस में थोड़ा सा विकेट मिलने का कम चांस रहता है बट जिस मैच में विकेट आपको लग रहा है कि लेंगे तो उस मैच में इनके जो ऑपोनेट जो टीम रहेगी उनके टॉप ऑर्डर को आपको छोड़ना पड़ेगा रिक्स लेके तो ये भी उन्हें मैच में देखेंगे चौबीस ओवर की गेंदबाजी करके बारह विकेट लिए हैं ठीक ठाक से प्लेयर है टीम में ट्राई कर सकते हैं जुनेद अली की बात कर ले तो लेफ्ट और मीडियम बॉलर ये भी हैं बारह मैचेस में देखेंगे चौबीस ओवर की गेंदबाजी करके नौ विकेट एज ए बॉलर खेलते हुए दिख जाएंगे लास्ट के पाँच मैचेस सकते हैं दो दो ओवर की गेंदबाजी लास्ट के पांच मैचेस में किए हैं तो की बात कर ले तो इसी दो हजार इक्कीस के एक मैच खेले थे जहां पर इनको कुछ करने का मौका नहीं मिला आप इग्नोर करके जा सकते हैं गुलाम सबर की बात कर ले तो ये भी विकेट कीपिंग कभी कभी कर लेते हैं कभी विकेट कीपिंग नहीं करते हैं तो पार्ट टाइम बॉलिंग दे देते हैं दो हजार बाईस के लास्ट के पांच मैच दे सकते हैं यहां पर विकेट कीपिंग किए यहां पर दो ओवर की गेंदबाजी किए है यहां पर एक ओवर की गेंदबाजी किए बत्तीस मैचेस में एक सौ सैंतीस रन हाईस्कोर थर्टी वन का पंद्रह इनिंग्स में सत्ताईस ओवर की गेंदबाजी करके एक मेडल भी दिए हैं सोलह विकेट लिए हैं तो ठीक खिलाड़ी है आप ट्राई कर सकते हैं मेहरावली की बात कर ले तो राइट हैंड बैट्समैन राइट एम फास्ट इनका रोल रहने वाला है दो में जो क्लब टी के मैचेस हुए थे अभी रिसेंट टाइम में आई थिंक ये अक्टूबर के महीने में ही हुए हैं जहाँ पर इनको कुछ करने का मौका नहीं मिला बाकी क्लब टी से इन्होंने पाँच मैचेस में पचहत्तर रन हाइस्को फोर्टी फोर का तो आप ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं हुमायन एच सफ़ी की बात कर ले तो 2022 में जो क्लब टी के मैचेस होते हैं जहाँ पे ये ओपन आए थे जीरो किए थे और एक ओवर की गेंदबाजी करके जीरो विकेट काशिफ जोनटी की बात कर ले तो 2020 में जो है क्लब टी ट्वेंटी खेले थे 2020 में यानी कि दो साल पहले छः नंबर पे आके इक्यावन किए थे 29 गेंदों में तो हार्ड एटिंग शायद कर लेते हैं आप टीम में ट्राई करना चाहते हैं अगर खेलते देखिए तो ट्राई कर सकते हैं एक प्लेयर जो इनके टीम के रहेंगे तोसिफ अहमद जिनका इसको मुझे स्टेट्स इस नहीं मिलेगा अगर खेलते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे दूँगा अगर मुझे कहीं से इनके स्टेट्स मिलते हैं अब यहाँ पे आपको जो मैं दिखा रहा हूँ ये आपके लिए थो, थोड़ी सी आपको इस स्कोर कार्ड से आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी अब ये स्कोर कार्ड क्या है रिसेंट में ही इन लोगों ने क्लब टी के जो है खेल के आ रहे हैं मैचेस टी ये टी के ही है तीस अक्टूबर को ये मैच खेला गया था आज से मान के चलिए चार दिन पहले तो इन्होंने जो है तीस अक्टूबर को मैच खेले थे जहाँ पे इनके तरफ से हमजा सलीमदार ओपन आए थे एहताज सफ़ी इनके साथ आए थे काशि अलीफ भी वन डाउन आए थे और आप देख सकते हैं इन लोगों का स्कोर कार्ड आप यहां से इन लोगों का स्कोर कार्ड देख सकते हैं बिल्कुल आप जब कुछ प्लेयर हैं जो कि नहीं भी होंगे शायद स्क्वाड में तो वैसे ये सारे प्लेयर हैं फरुख साहिल नहीं है इनको अगर छोड़ दे तो आई थिंक ये सारे प्लेयर हैं तो आप यहाँ से कुछ स्कोर कार्ड भी देख के अपनी टीम बना सकते हैं यहाँ पे इनके जो है ये रहे बैट्समैन और ये रहे इनके बॉलर आप देखेंगे आदिल राजा दो विकेट लिए यहाँ पे हमजा जो है ओपनिंग भी किए थे एक विकेट लिए आमिर शहजाद एक ओवर में बीस रन दिए विकेट गए फारूक सोहेल तो है ही नहीं स्क्वाड में एहताज जो है एक ओवर की गेंदबाजी किए और ओपन भी आए थे गुलाम मुस्तफ़ा दो ओवर की गेंदबाजी आरिफ मस्जिद जो एक ओवर की गेंदबाजी किए थे दो विकेट अब यहाँ से आप तेईस अक्टूबर को एक तीस अक्टूबर को खेले थे एक तेईस अक्टूबर ये दूसरा मैच है आप देखेंगे इसमें भी हमजा ओपन मोहसिन अली ओपन कासिफ़ वन डाउन गुलाम मुस्तफ़ा जो है चार नंबर पे फारुख सहल नहीं है आरिफ मस्जिद है आमिर भी है गुलाम भी है यहाँ पे आदिल असरफराज और मेहराब को मौके नहीं मिले थे इसी तरीके से आप इनके बॉलर भी देख सकते हैं आदिल राजा दो विकेट यहाँ भी आमिर विकेट लेस गए मोहसिन विकेट लेस गए गुलाम शब्बेर विकेट लेस गए गुलाम मुस्तफ़ा एक विकेट लिए और आरिफ मस्जिद विकेट लेस गए तो कुछ इस तरीके से ये स्कोर कार्ड से भी आपको कुछ हेल्प हो जाएगी बाकी अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो इनके अगेंस्ट जो टीम खेलेगी बांग्लादेश किंग्स की इनके तरफ से देखिए सबसे बेस्ट शॉइस शोफिका इस्लाम बिल्कुल आप देखेंगे दस परसेंट से भी सिलेक्शन कम है आपको ऑलराउंडर सेक्शन में मिल जाएंगे 2021 के लास्ट के पांच मैच देख सकते हैं इकतीस मैच में तीन सौ तिरपन रन हाई स्कोर फोर्टी एट का उनतीस इनिंग्स में पचास ओवर की लगभग गेंदबाजी करके इक्यावन ओवर की लगभग गेंदबाजी करके चौदह विकेट लिए हैं इकोनमी थोड़ी सी खराब रही है बट खिलाड़ी शानदार है आप सी डायरेक्टली करके जा सकते हैं उमर अली जो कि वन ऑफ द बेस्ट इन इसके टीम इनके टीम के जो रहेंगे लास्ट के पाँच मैचेस देख सकते हैं इकसठ चौवन सताईस सत्तावन इकतीस मैचेस में पाँच रन हाई स्कोर एट्टी का स्टार्ट रेट एक का चार अर्धशतक है टी में जिस प्लेयर का चार अर्धशतक है तो आप उनकी क्वालिटी पे शक नहीं कर सकते सत्रह मैचेस में चौबीस ओवर की गेंदबाजी के आठ विकेट लिया इकोनमी थोड़ी सी खराब रही है और आप देखेंगे तो थोड़ा सा इनका ओवर भी कटा है बट खिलाड़ी बिल्कुल शानदार है जुबेद मियाँ की बात कर ले तो इसी है के लास्ट मैचेस देखेंगे तो टॉप फोर फाइव में आ जाते हैं बल्लेबाजी करने के लिए बाईस मैचेस में चार रन हाई स्कोर एट्टी का स्टाइल रेट एक का और दो हाफ सेंचुरी इनके भी नाम है पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं उतना कुछ खास बॉलिंग नहीं करते एज ए बैट्समैन आपको खेलते दिख जाएंगे शकील मियाँ की बात कर ले तो इसी आई दो के लास्ट के पाँच मैचेस देख सकते हैं बाईस मैचेस में दो सौ अठारह रन हाइस्को फोर्टी सिक्स का स्ट्राइक रेट वन का एक इनिंग्स में ही बॉलिंग किए थे एक ही बॉलिंग किए थे जिसमें छः रन खा लिए थे यानी एक ही बॉल किए थे और छक्का पड़ गया था तो आप एज ए बैट्समैन ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं नहीं तो आप छोड़ के भी जा सकते हैं एक आपको बैटिंग सेक्शन में मिल जाएंगे शुभदीप देव इसीलिए दो हज़ार इक्कीस के लास्ट के पाँच मैचेस देखेंगे तो बहुत ही शानदार फॉर्म में थे तेईस अड़सठ बावन छः तीस छब्बीस मैचस में तीन सौ छियानवे रन हाई स्कोर सिक्सटी एट का स्ट्राइक रेट एक सौ पचपन का तो खिलाड़ी शानदार है ट्राई कर सकते हैं जीएल के लिए बेस्ट पिक रहने वाली है मोहम्मद जायेद आलम इनका भी सिलेक्शन कम है इसीलिए दो हज़ार में रिसेंट टाइम में ही खेल के आ रहे हैं सात मैचेस में आई थिंक ये पुर्तगाल की जो सीरीज हुई थी ना उसमें भी खेले थे ये उसी का रिकॉर्ड है सात मैचेस में एक रन हाई स्कोर थर्टी का स्ट्राइक रेट एक का सात इनिंग्स में चौदह ओवर यानी कि सात मैचेस में दो ओवर की गेंदबाजी किए हैं पूरे मैच में चौदह ओवर की गेंदबाजी छः विकेट तो इंपॉर्टेंट मर जाते हैं आप एक आधी टीम में सी, सी भी ट्राई कर लेंगे अगर नंबर तीन चार पे आ जाते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट पिक बन जाएगी अहमद जुबैर की बात कर ले तो अहमद जुबैर जो है 2021 में चौदह ओवर की मैचेस खेल के आए हैं अब देखेंगे तो स्टेट्स तो ठीक ठाक है बट इनका जो है ना थोड़ा सा मैं कहूँगा कि मुझे जो है डाउटफुल स्टेट्स लगेगा अब ये खिलाड़ी वो है भी या नहीं भी मैं कंफर्म नहीं हूँ इसलिए मैं अभी ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ बट जो डाउटफुल स्टेट्स है मैं आपको दे दिया हूँ यहाँ पे आप इग्नोर भी करके जा सकते हैं एक आपको मिल जाएंगे खिलाड़ी बॉलिंग सेक्शन में मोशियर रहमान जो कि आप बिल्कुल आग बंद करके इनको सी भी ट्राई कर सकते हैं 2021 में जो लास्ट के पांच मैचेस खेले हैं चौहत्तर साठ और दो दो ओवर की गेंदबाजी 26 मैचेस में 26 के 26 मैचेस में बॉलिंग किए हैं उनचास ओवर की, की गेंदबाजी करके 15 विकेट लिए हैं 230 रन बनाए हैं हाईस्टोर सेवेंटी फोर का रहा है स्टार रेट वन नाइनटी सिक्स का रहा है और दो हाफ सेंचुरी तो आप समझ सकते हैं कि एक अच्छे लेवल के खिलाड़ी हैं बिल्कुल आप इनको सी बी सी ट्राई कर लेंगे ताहिद अहमद की बात कर ले तो लेफ्ट हैंड इनका रोल है राइट एंड मीडियम बॉलिंग कर लेते हैं बॉलिंग थोड़ा सा कम की है रिसेंट टाइम में उन्नीस मैच में छियानवे रन हाई स्टोर ट्वेंटी का चौदह इनिंग्स में बीस ओवर की गेंदबाजी करके एक मेडन भी दी है दस विकेट लिए है बट इकोनॉमी थोड़ी सी खराब रहे आप इग्नोर भी करके जाना चाहते हैं तो कर सकते हैं एम डी शहीदु उज्जाम की बात कर ले तो राइट हैंड बैट्समैन राइट एंड मीडियम इसी है दो हज़ार इक्कीस के दस मैचेस में आप देखेंगे ग्यारह रन दो विकेट लिए हैं उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है चार ही इनिंग्स में बॉलिंग की है मोइजुद्दीन की बात कर ले तो मोइजुद्दीन इसी है दो हज़ार इक्कीस में सा, नंबर सात पे आके एक ही मैच खेले है एक रन बनाए थे प्लस एक ओवर की गेंदबाजी करके ग्यारह रन एक विकेट एम डी राहुल की बात कर ले तो दो हज़ार इक्कीस के लास्ट के पाँच मैचेस देख सकते हैं पहले और लास्ट के मैच में कुछ करने का मौका नहीं मिला था बीस मैचेस में पच्चीस रन उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है चार ही मैचेस में छः ओवर की गेंदबाजी की है पाँच विकेट लिए थे और इकोनॉमी बहुत ही खराब रही थी आप इग्नोर करके जा सकते हैं मोइनुल इस्लाम की बात कर ले तो दो में आप देखेंगे लास्ट के पाँच मैचेस मैचे अठारह मैचेस में सत्रह रन और सत्रह ओवर की गेंदबाजी किए हैं दस मैचेस में मात्र आठ विकेट लिए इकोनॉमी खराब रही तो इग्नोर करके जा सकते हैं हुसैन अमीनुल की बात कर ले तो दो के लास्ट मैचेस जब आप देखेंगे तो दो दो ओवर की गेंदबाजी पूरे दिए हैं ट्राइबल रहेंगे आप ट्राई कर सकते हैं सिलेक्शन बहुत ही कम है पच्चीस में से चौबीस मैचेस में बॉलिंग की है चालीस ओवर की गेंदबाजी करके बाईस विकेट निकाले इकोनॉमी भी ठीक ठाक है एज ए बॉलर खेलते दिख जाएंगे शैफुल इस्लाम की बात कर ले जो कि ऑलराउंडर सेक्शन में गिवन है ए, एक विकेट कीपर बल्लेबाज है वैसे पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेते हैं अगर विकेट कीपिंग नहीं करते हैं के जो है दो में तीन ही मैच खेले थे जहां पर इनको कुछ करने का मौका नहीं मिला था वैसे छः मैच में इनके नाम तीन ओवर की गेंदबाजी करके विकेट लेस गए हैं दो में ही बॉलिंग किए हैं दो में ये सिर्फ विकेट कीपिंग कर रहे थे फैशल मंशूर की बात कर ले तो ये भी एक विकेट कीपर बल्लेबाज है 2021 के क्लब टी टेन में इनके आप लास्ट के जो है पांच मैचेस दे सकते हैं ओवरऑल यानी कि टी टेन के अलावा टी ट्वेंटी और फिर ओडीडी बारह मैचेस में सतासी रन हाइस्ट को फोर्टी थ्री का तो इनका भी थोड़ा सा डाउटफुल स्टेट्स है मैं इतना श्योर नहीं हूं ऐसे भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है आप इग्नोर करके जा सकते हैं रहमान की बात कर ले तो दो में जो है लास्ट के दो में जो है दो ही मैच खेले हैं बाकी दो में खेले थे तेरह मैचेस में ग्यारह रन आठ इनिंग्स में नौ ओवर लगभग दस ओवर की गेंदबाजी करके छह विकेट लिए इकोनॉमी खराब रही है और आप देखेंगे तो ये ग्यारह जो मैच जो है हाँ 2020 में खेले थे दो ही मैच जो है 2021 में खेले यही मैंने लिखा है बाकी नवीद रहमान की बात कर ले तो नवीद रहमान जो है 2022 में जो है ओ में डिवीज़न टू से खेल के आ रहे हैं सात मैच में तीस रन और इनिंग्स में पच्चीस ओवर की गेंदबाजी करके छः विकेट लिए तो एक डिफरेंशियल पिक रहने वाली है खेलते हैं तो ट्राई कर लेना है दो में डोमेस्टिक टी डिवीजन वन से जो खेले है पाँच मैचेस में चौसठ रन हाईस्कोर थर्टी थ्री का रहा है पाँच इनिंग्स में उन्नीस ओवर की गेंदबाजी करके सात विकेट लिए है इकोनॉमी सिक्स की रही है तो खिलाड़ी ठीक ठाक है ट्राई कर सकते हैं जीएल में अबू फाह की बात कर ले तो 2022 क्लब टी टेन में जो है दो ही मैच लास्ट खेले थे जहां पर नंबर चार पे आके दस रन किए थे एक मैच में कुछ करने का मौका नहीं मिला वहीं दो में तीस ओवर के मैचेस में सात मैचेस में एक सौ इक्कीस रन और हाईस्कोर सिक्स का रहा था बाकी अनवरुल हक की बात कर ले तो राइट हैंड बैट्समैन राइट राइटम फास्ट इनका रोल रहने वाला है दो हजार बाईस तो में, मैच, मैच में जो है दो ओवर की गेंदबाजी रन जीरो विकेट वहीं में में जो है ओवर की मैचेस तीन मैचेस में जो है एक रन दो इनिंग्स में लगभग चार ओवर की गेंदबाजी करके एक विकेट लिया है इकोनॉमी खराब रही थी इग्नोर करके जा सकते हैं एच एम दिलवर की बात कर ले तो दो हजार बीस में जो तीस ओवर के मैचेस खेल के आ रहे हैं छह मैच में अस्सी रन हाइस्ट स्कोर थर्टी सिक्स का रहा है दो इनिंग्स में चार ओवर के गेंदबाजी के दो विकेट निकाले हैं कबीर अल इब्नुल की बात कर ले तो राइट हैंड बैट्समैन राइट एंड फास्ट इन का रोल है 2022 हजार बाईस कल टी के दो मैचेस देख सकते हैं बाकी 2022 हजार बाईस क्लब टी ट्वेंटी से एक मैचेस खेले थे जहाँ पर बाईस रन वहीं तीस ओवर के मैचेस में छः मैचेस में नौ रन तो कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है आप इग्नोर डायरेक्टली कर सकते हैं राजू मियाँ की बात कर ले तो राजू मियाँ के दो हज़ार बाईस क्लब टी से एक मैच खेले थे जहाँ पर कुछ करने का मौका नहीं मिला वहीं दो हज़ार ओवर के मैचेस में चार मैचेस में इक्यासी रन हाईस्कोर फोर्टी फोर का एक इनिंग्स में दो ओवर की गेंदबाजी करके एक विकेट लिए हैं तो एवरेज प्लेयर है वैसे ज़्यादा कुछ खास नहीं है आप इनको इग्नोर भी कर सकते हैं मियाँ जकीर की बात कर ले तो मियाँ जकीर दो हज़ार में जो है पाँच मैचेस खेले थे जहाँ पर इनको कुछ करने का मौका नहीं मिला था वहीं क्लब टी से छः मैचेस में एक ही रन है तो उतना कुछ खास ही नहीं है आप इग्नोर करके जा सकते हैं एम डी अबू सईद की बात कर ले तो दो में जो क्लब टी से दो मैचेस खेले थे जहाँ पर आप देखेंगे पाँच रन प्लस दो ओवर की गेंदबाजी एक विकेट और दूसरे मैच में सात सात नंबर पर आके चार रन 2021-22 में जो तीस ओवर के मैच स खेले दस मैचेस में अस्सी रन हाई स्कोर उन्नीस का आठ इनिंग्स में सोलह ओवर की गेंदबाजी करके छः विकेट लिए हैं तो आप ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं बात कर ले यहाँ से मिसबा साजो साजो की तो ये भी एक विकेट कीपर बल्लेबाज आई थिंक ये भी है अब देखेंगे 2022 डोमेस्टिक टी टेन में ए, टी ट्वेंटी में एक मैचेस में कुछ करने का मौका नहीं मिला वहीं डी में एक मैचेस में 22 रन 2020 डोमेस्टिक टी टेन में चार मैचेस में छः रन तो कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं और इग्नोर करके जा सकते हैं नाहिद तालुकदार जो है स्क्वाड में शामिल थे बट ए, एक भी मैच नहीं खेले जो डोमेस्टिक स्क्वाड होते हैं टी वाले वो वहाँ पर शामिल थे बट अभी कुछ जो है इनको खिलाया उलाया नहीं गया है आरिफ हुसैन मोहम्मद हुसैन और फाद अली इन तीनों प्लेयर के अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास स्टेट्स नहीं है अगर हमें कहीं से मिलते हैं या फिर ये खेलते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा अब यहाँ पे जो मैं दिखाने वाला हूँ इससे आपको बहुत सारे बहुत कुछ हेल्प हो जाएगी रिसेंट टाइम में इन्होंने 30 अक्टूबर को टी टन मैचेस खेल के आ रहे हैं तो बांग्लादेश किंग की टीम जो है यहाँ पे टी टेन खेले हैं। इनके तरफ से सकील मियाँ ओपन आए थे इनके साथ जुबेद मियाँ दो रन किए पाँच गेंदों में चार आठ गेंदों में वहीं मोशी रहमान का देख लीजिए इक्यावन सत्ताईस गेंदों में शुभदीप देव उनचालीस इक्कीस गेंदों में कबीर अब्दुल्ला अल इब्न जीरो एक नॉट आउट रहे थे और ये भी नॉट आउट रहे थे बाकी मोइनुल ताहिद मियाँ जकीर अबू फ़हद इन लोगों को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला आप देखेंगे यहाँ से गेंदबाजी से तो दो ओवर मोइनुल दो ओवर की गेंदबाजी इक्कीस रन एक विकेट राहुल दो ओवर की गेंदबाजी चौतीस रन जीरो विकेट जुबे दो ओवर छियालीस रन जीरो विकेट मौसू दो ओवर तेईस रन दो विकेट तो मौसूर इंपोर्टेंट है और ताहिद अहमद दो ओवर तेईस रन एक विकेट तो मौसूर यहां से निकल के आ रहे हैं इस मैच के हीरो अब बात कर ले जो 23 अक्टूबर को मैच खेले थे ये सारे टी के ही मैचेस है शकील मियाँ ओपन जुबेद मियाँ ओपन ग्यारह छत्तीस मौसूर इस मैच में बीस आठ गेंदों में अबू पहाद दस आठ गेंदों में शुभदेव देव नौ गेंदों नौ रन आठ गेंदों में ताहिद दो पाँच गेंदों में नॉट आउट कबीर अब्दुल्ला अब्दुल्लामडू नौ चार गेंदों में नॉट आउट मोहित एम डी जाकिर अनवरुल और एम डी राहुल को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला वहीं मौसूर रहमान दो ओवर की गेंदबाजी चौबीस रन एक विकेट राहुल दो ओवर की गेंदबाजी अठारह रन एक विकेट जुबेद दो ओवर की गेंदबाजी उन्नीस रन जो जीरो विकेट ताहे दो ओवर चौबीस रन एक विकेट अनवरुल दो ओवर बीस रन एक विकेट तो कुछ इस तरीके से आपको मैंने फुल स्टेक्स्ट बता दिए हैं अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए मुझे बोलना पड़ता है इतने मेहनत करता हूँ आपके लिए एक लाइक तो बनता है भाई अब हम चलते हैं अपनी डेमो टीम में मैंने डेमो टीम बना रखी है मैं वहां पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये जितना भी डिस्कस करना था मैंने यहाँ पर कर लिया मैं वहां पर डायरेक्टली अपना डेमो टीम दिखाऊंगा जो कि रिस्की है अब उनमें से हो सकता है कि मेरे सारे प्लेयर ना भी खेले ऐसा भी हो सकता है तो जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको डायरेक्टली टेलीग्राम में मिलेगी तो हम सीधे चलते हैं अपने डेमो टीम में देखिए मैंने अपने डेमो टीम में अभी फिलहाल के लिए जो है आर्द, आर जमान को लिया हूँ यहाँ पे के सफी गेम चेंजर पिक है बिल्कुल आप के सफी को ले ले सकते हैं मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस ही नहीं करूँगा एम आरमगान को लिया हूँ जे मिया को लिया हूँ और ए मस्जिद अब आप चाहे तो ए मस्जिद के जगह आप किसी और भी प्लेयर को ले सकते हैं जैसे कि दीप जो कि अच्छे फॉर्म में है और कुछ प्लेयर है जो कि मैंने स्टेट्स में दिखाए हैं एम अली ये भी एक अच्छे पिक रहेगी तो आप यहाँ पर जो है फाइनल टीम में जो है ना लाइनअप पाने के बाद मेरे भी चेंजेस हो सकते हैं अब मैं आरिफ मस्जिद के जगह किसी और को भी ले सकता हूं बाकी मैंने यहां से जो है एच दार को उमर अली को इस्लाम को और यहाँ से एम जायद आलम को लिया हूँ ये कुछ हमारी अभी फिलहाल के लिए है बाकी जो है फाइनल टीम वो टेलीग्राम पे आएगी यहाँ से मैंने ए राजा को लिया हूँ और जो एक मोसी रहमान मैंने बताया कि जो एक ऑलराउंडर आप इनको सी बी भी ध्यान रखेंगे आप इनको सी बी भी कर सकते हैं डायरेक्टली अभी रिसेंट टाइम में टी में वन डाउन भी आ रहे थे दो अवर की गेंदबाजी कर रहे थे जुनेद अली को मैंने ले लिया हूँ यहाँ से अब आप यहाँ पर जिसको लेना चाहे बिल्कुल ले सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए जो है मेरी डेमो टीम कुछ इस प्रकार से बनी है डेमो टीम में मैंने हमजा सलीमदार को कैप्टनशिप दी है वॉइस उमर अली को दी है यहाँ पे वॉइस कैप्टनसी और सीबीसी आप अगर जानना चाहते हैं कि और सी बी कर सकते हैं तो आरमगान खान भी एक बेस्ट चॉइस है मोहसी रहमान सब मुझे जो है जीएल के सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहे हैं सीबीसी के बाकी उमर अली तो है ही और शफीकुल इस्लाम और यहाँ से जायद भी हो सकते हैं आपके लिए तो ये कुछ है आप इन लोगों को सी कर सकते हैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी है अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो टेलीग्राम पर ही आती है फाइनल टीम भी टेलीग्राम पर आती है जो भी टीम फाइनल आएगी मैं ये कभी नहीं कहता कि आप मेरे टीम से ही खेलो मैंने स्टेट्स बिल्कुल डिटेल्स में दिया हूँ आप स्टेट वाइज अपनी टीम बनाइए अपनी टीम क्रिएट कीजिए और हमसे बेटर टीम बनाइए और उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू